After the discussions of pre-fertilization events, gametogenesis, now we can start our discussion, that is with gamete transfer. Basically, what is the meaning of gamete transfer? If we are trying to understand the sexual reproduction, three steps, pre-fertilization events, fertilization events and post-fertilization events. In the pre-fertilization events means fertilization prior, what are the events are going on? Fertilization से पहले जो भी events होते हैं उसको अपन pre-fertilization events के अंदर रखते हैं. Pre-fertilization events के अंदर हमने gametogenesis मतलब gametes कैसे produce होता है वो बातचीत कर ली है. अभी हम start ले रहे हैं gamete transfer मतलब male और female gamete जो produce हुए वो transfer कैसे होता है. Transfer किसके लिए होगा? For the fertilization process. अब गैमेटोजेनेसिस के बाद जब अपन गैमेट ट्रांसफर लर्न करने की बात कर रहे हैं तब बेसिकली गैमेट ट्रांसफर होता है वेरियस वेज. वाटर आता है, वेरियस एल्गीज, फंजी, ब्रायोफाइट्स, दे प्रोड्यूसेस एंथ्रोजोइट्स और द स्पर्म सेल्स, दे मूव इन वाटर, दे आर फ्लेजिलेटेड एंड हेंस दे मूव टुवर्ड्स द फीमेल, हेंस द सिंगेमी दैट इज फर्टिलाइजेशन इज पॉसिबल. इन एंजियोस्पर्म पोलर ट्यूब डेवलप्स. अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आइदर फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मेल एंड फीमेल बोथ द गैमेट हैव टू बी मोटाइल. ओके, दोनों गैमेट्स को मूव होना जरूरी है. अगर दोनों गैमेट्स मोटाइल ना हो ओके तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है. अगर दोनों में से एक मोबाइल हो और एक ना मोबाइल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता. जैसे ह्यूमन एक्सेल की बातचीत करें तो एक्सेल स्टेशनरी है, स्पर्म सेल मोबाइल है. लेकिन अगर दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट इफ नॉन मोटाइल देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल. आंसर कम, यस इट इज पॉसिबल. हाउ इट इज पॉसिबल? तो इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स मेल एंड फीमेल बोथ रिप्रोडक्टिव गैमेट्स दैट इज आर नॉन मोटाइल. बट इवन इफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स पोलन ट्यूब डेवलप्स. अब यहां पे एक चीज और क्लियर करना कि पोलन ग्रेन जो है वो पोलन ग्रेन को कभी भी मेल गैमेट दैट इज इक्वल टू मेल गैमेट नहीं बोल सकते. यू कैन नॉट कंसिडर पोलन ग्रेन एज अ मेल गैमेट. बट इन पोलन ग्रेन व्हाट हैपेंस, फ्रॉम पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब डेवलप्स एंड पोलन ट्यूब इज जस्ट कंसिडर्ड एज अ कैरियर ऑफ मेल गैमेट. ओके, यहां पे मेल गैमेट्स भी याद रखने का, आप एक मेल गैमेट कंसिडर नहीं कर सकते. तो ये एक फाइव स्टार डिस्कशन है कि आप पोलन ग्रेन को मेल गैमेट कंसिडर नहीं कर सकते. पोलन ग्रेन इज अ कैरियर ऑफ मेल गैमेट बोल सकते हो. पोलन ग्रेन नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं फ्रॉम पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब डेवलप्स और पोलन ट्यूब इज कैरीज द टू हैप्लॉइड मेल गैमेट्स वो कैरी करते हैं. नेक्स्ट कंसेप्ट इज फर्टिलाइजेशन और इन अदर वर्ड्स आल्सो इट इज नोन एज सिंगेमी. कई बार कंफ्यूजन होता है डाइट ऑर्डर ऑन फर्टिलाइजेशन तो बच्चा फर्टिलाइजेशन लिख देता है लेकिन जब अपन सिंगेमी की बातचीत करते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है. दोनों सिनोनिम्स है. अब बेटा बायो के अंदर है ना आपको सिनोनिम्स बहुत अच्छे से लर्न करने के. कई बार एक ही कंसेप्ट होता है अलग अलग नाम से पहचाना जाता है तो वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है. तो सिनोनिम यू ऑलवेज हैव टू रिमेम्बर ऑल टू नेम्स. जैसे मेरे को महादेव जी के बारे में तो पता था, नीलकंठ कौन है मेरे को नहीं पता. अभी पूछना नहीं हो नीलकंठ कौन थे. अब जब अपन आगे का कंसेप्ट स्टार्टअप ले रहे तो इसके अंदर फर्टिलाइजेशन और सिंगेमी में सबसे पहला एक इवेंट आता है जिसको हम बोलते हैं जायगोट फॉर्मेशन. एक बार मेल और फीमेल गैमेट नजदीक आएंगे, दोनों का फ्यूजन होगा तो जो वन सेल स्ट्रक्चर क्रिएट होगा उसको अपन बोलेंगे जायगोट. फर्दर अगेन द डिस्कशन इज देयर रिगार्डिंग द जायगोट. वन इंपॉर्टेंट फिनोमेना फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू एंड अगेन फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज पार्थेनोजेनेसिस. एक कंसेप्ट आता है जिसको अपन बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोजेनेसिस की एक डेफिनेशन है जो लर्न कर लेने का. तो इफ द फर्टिलाइजेशन अकर, सॉरी विदाउट द फर्टिलाइजेशन, इफ जायगोट फॉर्मेशन अकर और आई कैन से द बेबी इज डिलीवर्ड विदाउट द स्टिमुलेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोजेनेसिस. इसके लिए एक कंसेप्ट समझाने का ट्राई करूंगा.
कई बार एक डिस्प्यूट होता है कि मुर्गी का अंडा वो वेजिटेरियन है कि नॉन वेजिटेरियन है। कई बंदे ऐसा बोलते हैं कि मुर्गी का अंडा है ना वो वेजिटेरियन फूड है। ऐसा क्यों? क्योंकि मार्केट में दो तरह के एग्स मिल रहे हैं, जो हाइब्रिड एग्स अपन बोल रहे हैं, व्हाइट कलर के जो व्हाइटिश पोर्शन ज्यादा होता है, वो अगर एग की बातचीत करें तो मेल और फीमेल हैंस दोनों अलग अलग केजेस में होते हैं, उनके बीच में कॉपुलेशन नहीं होता। और वो हैन मतलब जैसे तरह ह्यूमंस के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, उसी तरह से फीमेल्स हैन के अंदर ओस्ट्रस साइकिल होता है। जस्ट इस हम आगे बातचीत कर चुके हैं इसके बारे में, कैल्क्यूरियस एग प्रोटेक्टर होता है। लेकिन अगर वो एग के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, जायगॉट नहीं बना, तो वो सिचुएशन में क्या होगा, हैप्लॉइड, और वो हैप्लॉइड सिचुएशन में वो एग में से चूजा कभी निकलने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक एग्जेम्पशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको संभालने का याद रखने का है कि एक बर्ड जिसको अपन बोलते हैं द बर्ड नेम इज टर्की, टर्की बर्ड, एक टर्की बर्ड के अंदर पार्थेनोजेनेसिस होता है। मतलब अगर टर्की बर्ड का फीमेल ने अंडा दिया है और वो अंडे में से विदाउट डेवलपमेंट, विदाउट फर्टिलाइजेशन सीधा के सीधा चूजा निकल सकता है, ये एक एग्जेम्पशन बिट आपको याद रखने का। नेक्स्ट एक छोटा सा है कि वेयर डज सिंगेमी अकर्स, फर्टिलाइजेशन कहां पे हो रहा है। तो बेसिकली फॉर लोकेशन ऑफ सिंगेमी देर आर टू लोकेशंस आर देयर, अमंग देम वन इज सेड टू बी द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल, and one is said to be the internal. What is external and what is internal? If fertilization takes place inside the body, it is known as internal fertilization. And if fertilization takes place outside the body, it is known as external fertilization. Among them, the various bryophytes, pteridophytes, gymnosperm, angiosperms are there in which the internal fertilization occur. And external fertilization occur, that is, you can consider it as a आप फ्रॉग बोल सकते हो कि जिसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ओके, और फिशेज हैं उसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। प्रोसीडिंग फर्दर डिस्कशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, अंडर द हैंड अंडर द टाइटल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन, बेसिकली आफ्टर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन, दैट इज इन द पोस्ट फर्टिलाइजेशन, वी हैव टू लर्न टू कंसेप्ट अमंग देम, वन इज जायगॉट एंड वन इज एम्ब्रियोजेनेसिस। What is zygote? Zygote is formed through the as a result of fertilization. जैसा fertilization हो गया zygote बन गया। अब zygote के लिए बेटा मैंने एक word, एक sentence है बहुत काम का है। कई बार fill in the blanks में पूछा है मैंने, तो बच्चों ने वो आंसर देने में तकलीफ पड़ा। सिंपल सा है कि zygote is a vital link ensuring continuity of a species between organisms to one generation to the next generation. और सिंपल मैंने क्वेश्चन पूछा था, डैश इज अ लिंक बिटवीन इंश्योरेंस कंटिन्यू स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो सिंपल सा आंसर जायगॉट भी आंसर देने में कंफ्यूजन होता है। तो कुछ कंसेप्ट है, स्टेप बाय स्टेप अपन पढ़ते और समझाता जाता कि जायगॉट इज जस्ट सेड टू बी द वाइटल लिंक विच इंश्योर्स द कंटिन्यू ऑफ अ स्पीसीज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। अब जब जायगॉट एक बार बन गया तो उसके आगे का क्या होगा, तो जायगॉट का आगे का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जायगॉट फर्दर डेवलप डिपेंड्स अपॉन द लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। इफ द लाइफ साइकिल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक और द जायगॉट द ऑर्गेनिज्म इज फॉलोइंग द डिप्लॉन्टिक, okay, if the organism is following haplontic life cycle, in that case the zygote will divide meiotically, meiosis ho jayega, aur agar wo agar diplontic life cycle hai to wo zygote mitotic cell division se aage ke stage, that is embryogenesis mein enter ho jayega. What is embryogenesis? Ab embryogenesis kya hai? तो वॉट एवर द जायगॉट विच इज सेड टू बी द यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ एन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बॉडी। अब सिंगल सेल जो जायगॉट बना, वो सिंगल सेल जायगॉट आगे जाके क्या बनने वाला है, तो आगे जाके वो एंटर हो जाएगा एम्ब्रियोजेनेसिस में। एम्ब्रियोजेनेसिस में मेनली क्या होता है,
एम्ब्रियोजेनेसिस रिफर्स टू डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो के अंदर मेन कॉन्सेप्ट्स क्या आते हैं, तो सेल डिवीजन, सेल डिफरेंशिएशन होता है और ऑर्गेनिज्म का बॉडी बनता है. डिपेंडिंग अपॉन द डेवलपमेंट द ऑर्गेनिजम्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरी. डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ओविपेरस, विविपेरस एंड ओवोविपेरस. व्हाट इज ओविपेरस? ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स दे ले एग्स, मींस अगर बात करें तो हेन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल एम्ब्रियो डेवलपमेंट और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एम्ब्रियो डेवलपमेंट. ओविपेरस एनिमल्स दे प्रोड्यूस एग्स. एग्स आर कैल्केरियस, मे और मे नॉट बी, ये भी याद रखने का कि कई ऐसे जैसे अपन बोले फ्रॉग और फिश, उसके ऊपर आउटर एग बनता है लेकिन एग सेल्स, जो एग बनाया एग सेल और एग वापस अलग चीज है. जो अपन एग की बातचीत कर रहे हैं तो एग वहां पे मेम्ब्रेनस होता है, वहां पे कैल्केरियस कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ. जरूरी नहीं है कि हर बार जो एग है वो कैल्शियम कार्बोनेट से प्रोटेक्टेड ही हुए, ये कंसेप्ट भी समझ लेने का. दूसरा एक आता है विविपेरस. अब विविपेरस ऑर्गेनिजम्स किसका, तो आप ह्यूमंस की बातचीत कर सकते हैं कि यहाँ पे अपन लिखे तो हैन, यहाँ पे अपन लिखे ह्यूमन, ह्यूमन एज एन एग्जाम्पल. मतलब इंटरनल एम्ब्रियो डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड बेबी इज डायरेक्टली डिलीवर्ड इन द नेचर, दिस इज ह्यूमंस. अपन बोले मैमल्स, ऑल मैमल्स आर फॉलोइंग विविपेरस कंडीशन, उसमें विविपेरस कंडीशन देखा जाता है. एक कंडीशन आता है ओविपेरस. अब ओविपेरस है ना, वो एक एडवांटेजियस अपन बोल सकते हैं कि ओविपेरस कंडीशंस, ओवो विविपेरस कंडीशंस, ये ओवो विविपेरस कंडीशंस ऐसी कंडीशन है कि जिसके अंदर एग्स आता है, एग्स एक बॉडी के अंदर प्रोटेक्टेड रहता है और फिर उसमें से डायरेक्टली बेबी डिलीवर होता है. इसके अंदर एग्जांपल अपन बोले तो रेडल स्नेक आता है और ऑस्ट्रेलिया का अंदर हम शार्क फिश बोल सकते हैं. ओविपेरस एनिमल दैट इज शार्क. शार्क के अंदर क्या है, तो इन शार्क एनिमल द फिश के शार्क के अंदर एग्स रखता है, एग्स बॉडी के अंदर रहते हैं, डेवलपमेंट इंटरनल है, डायरेक्टली डिलीवर बेबी का हो जाता है बॉडी के बाहर. ओविपेरस एनिमल दे डिलीवर एग्स, एग्स कैल्केरियस हो सकता है और स्किन होगा, मैच्योर नेचर होगा, मींस फाइटर डेथ रेट ओविपेरस एनिमल में ज्यादा हो सकता है. जबकि विविपेरस एनिमल्स के अंदर जब तक एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है वो माँ के पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर हो रहा है, इसलिए सर्वाइवल ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियोजेनेसिस वो प्रॉपरली हो सकता है. इन दोनों का इंटरमीडिएट बोले तो ओविपेरस एनिमल है. ओविपेरस एनिमल अंडे रखता है लेकिन अंडे बॉडी के अंदर रहता है. ओके, तो उनको फिर बाहर निकालने का जरूर नहीं पड़ता, एग्स वो डायरेक्टली बेबी डिलीवर एनवायरमेंट में करते हैं. अब एम्ब्रियोजेनेसिस अगर बात करें फ्लावरिंग प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स, ओके, तो इन द फ्लावरिंग प्लांट्स द एम्ब्रियोजेनेसिस बेसिकली इट अकर्स इन द ओव्यूल. ओव्यूल नेक्स्ट चैप्टर, उसके अंदर हम डिटेल में पढ़ने वाले. वंस द ओव्यूल इज फॉर्म द फर्टिलाइजेशन अकर द पेटल सेपल एंड्रोशियम स्टिग्मा स्टाइल डिटैच ओनली ओवरी, ओवरी अटैचेस एंड इनसाइड द ओवरी द ओव्यूल द एम्ब्रियोजेनेसिस अकर इन द ओवरी. After the stimulation of fertilization, ovary develops into fruit. वो fruit में develop कर देता है और fruit के अलग अलग types जो अपन 11th में पढ़ चुके हैं उसमें fruit के types, fruit के layers की बातचीत करें, fruit के types तो simple aggregate वो सब आता है, लेकिन यहाँ पे अगर fruit के layers की बातचीत करें तो exocarp, mesocarp और एंडो कार्प कॉमन वर्ड है. तो एक्सोकार्प आउटर मोस्ट लेयर, मेसोकार्प और एंडोकार्प, थ्री लेयर्स डेवलप्स. तो दिस इज द मेन इवेंट्स रिगार्डिंग द एंटायर चैप्टर. अब बेटा आपको अगर ये चैप्टर अच्छे से लर्न करना है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर करने का है, तो ये पूरे के पूरे टॉपिक या चैप्टर के अंदर से मैंने आपको लगभग चार वीडियोस के अंदर पूरा चैप्टर कवर अप करने का ट्राई किया. अब जब भी आप लर्न करने बैठो तो दो वे से लर्न करना या दिमाग में सोचना मेरे को क्या करना है, बोर्ड करना है या नीट करना है. पर्सनल सजेशन कि अगर आप बोर्ड करो तो बोर्ड के अंदर से 85% एनसीईआरटी 11th और 12th में से
नीट के अंदर 80-85% क्वेश्चंस निकल जाते हैं। हाँ, लेकिन दो अलग अलग चैप्टर का अगर कॉम्बाइन कॉम्बो पैक करके पूछे तो भी कंफ्यूजन हो सकता है आपको। यहाँ पे जस्ट लर्न करो, प्रिपेयर करो, और जो कीवर्ड्स मैंने बोर्ड पे लिखे उसको प्रॉपरली फॉलो अप करते जाना, तो लगभग आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।